बहुत तकलीफ हुई भी है ग्रुप में शायद। बोले जी ग्रुप में बहुत तकलीफ है आपको। प्लीज तो आप लोग मुझे तकलीफ क्यों होगी बताओ क्या तकलीफ मसला है है ना आपको, आप बात ही नहीं समझ रहे। आपको जब कहा जा रहा है कि अगर आपको ग्रुप में डिस्कशन करना है तो फिर सवाल जवाब तो आपको जवाब देने पड़ेंगे हमारे सवालों के। मेरी बात सुन मेरी बात सुन। अच्छा हाँ मैं क्या कह रहा था आप पूछ क्या कि ठेकेदार बने हुए यार अब जाए केस करें जी जाए यार ये क्या बात हुई मैंने 10 दफा तुम्हारे आपसे इंजीनियर छुड़वा कहा, देते हो लिसन, मैंने सर। आपसे 10 दफा कहा आप जमात खाने के दरवाजे खोलो, अपना कुफर सामने लाओ, हम आप पे केस कर देंगे। मसला क्या है? हमारी मर्जी यार ये मर्जी आजादी है क्या? यार फिर ठीक है ना हमारी मर्जी भी चल मर्जी। रहा है देखो आप अगर हम केस अपना करते हैं, बात सुनो, हम मर्जी। केस करते हैं, हमसे पूछा जाता है कि भाई कहाँ करते हैं ये लोग कुफर, कहाँ ये आगा खान को खुदा बोलते, कहाँ ये नबी का इनकार करते, तो हमें दरवाजे खोल के दो ना जमात खानों के, तो हम अंदर घुस के इनको बताएं कि ये देखो आगा खान की इबादत करते हैं, नाच गाना करते हैं, यहाँ पे इमामत डे और फलां डे उसके नाम पे इन्होंने जो है ना वो मुजरा शुरू किया होता है, ये इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। तुम लोग जमात खाने दरवाजे खोलते ही नहीं हो, तो हम कैसे बात करें, किसी को क्या केस करें? अपने लोगों तो मिला के कैसे बोल सकते हो? ने तो बोला कि हम उसकी पूजा करते बताऊँ करते बताओ हो, आपको मैं 100 दफा समझा रही हूँ करते हो। किसे भाई जी सुनो तुम डायरेक्ट ये बात नहीं भगवान सुन तो डायरेक्ट हिंदू से मुसलमान तो नहीं हुए। नहीं नहीं मैं आपको पूजा पूजा वर्ड तो कभी यूज नहीं करता हूँ। एक मिनट पूछो ये आपने पूजा वर्ड कैसे यूज कर लिया। क्योंकि नहीं, सुल्तान तो मोहम्मद आप शाह ने तो है किया, हमारे क्योंकि की इतना लोग सुल्तान, क्योंकि सुनो सुल्तान ने किया, क्योंकि सुल्तान ने किया, सुल्तान ने सुनो किया, सुनो सुनो सुल्तान ने सुनो किया, सुल्तान सुनो ने। सुनो 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 क्यों तुम मिनिस्टर हमारे लगे हो हिंदू से तुम्हारी मतलब सुने? हिंदू से हैं? मुसलमान तो नहीं हुए हो। नहीं, तुम मिनिस्टर लगे हो तुम्हारी सुने हम, तुम्हारा तुम्हारी औकात क्या है, तुमसे क्या बात करें? काय का मिनिस्टर? जहालत का, जहालत का मिनिस्टर हो? एक बात सुनो, बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, हम कौन है? तुमने 10 दफा कहा, तमीज से नहीं कर रहे मैं, तुम बीच में काट रहे हो, ये जहालत होती है। तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि बीच में बात नहीं काटते, पढ़ में जाओ। अच्छा किस बारे में फोन किया आपको उन्होंने, क्या कहा? नहीं, उसमें ये होता है, जी जी भाई सुन लीजिए, उसमें ये होता है कि जब आप कोई इल्म हासिल करना चाहते हैं ना, तो फिर पहले आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हो कि आप अभी किस मजहब से ताल्लुक रखते हो, आपकी खुद की अभी नॉलेज कितनी है, आपने इस्लाम को कितना समझा है, तो अभी आप क्या हो वो जानना जरूरी है ना, फिर मैं आपको उस किताब से हवाला दूं। आप मुसलमान हैं, इस्माइली हैं, आप शिया हैं, क्या है? अच्छा मुसलमान, मैं सलाफी हैं, ठीक है ठीक है। तो आपका सवाल क्या है, सलाफी हैं तो आप? तो चाहता हूँ कि यार मैं सवाल ये है कि देखो मैं सलाफी हूँ मैं इस्माइलियों को पसंद भी नहीं करता हूँ अच्छी लेकिन बात मैं है। ये चाहता हूँ कि इनके खिलाफ प्रोपगेंडा क्यों हो रहा है अमन खराब क्यों हो रहा है। अमन खराब हो रहा है, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। प्रोपेगेंडा की जो डेफिनेशन होती है ना, वो ये होती है कि आपको चीज जो फॉल्स होती है उसको आप बहुत ज्यादा प्रोपेगेट करते हो, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हो। हम जो इस्माइलियों के बारे में बताते हैं उसमें कोई भी चीज झूठ नहीं है, वल्लाही कुछ भी झूठ नहीं है, अच्छा ठीक है? वर्ड वर्ड टू वर्ड। और अभी अच्छा बात सुन लीजिए, अभी मैं एक वीडियो बना रही थी और आपने उसके बीच, अभी आप लोग की कॉल आ गई, वीडियो मेरा ऑलमोस्ट बन चुका है, उसमें मैं इंशाल्लाह संडे वाले दिन ये साबित करने वाली हूँ कि हाजिर इमाम जो इस्माइलियों की इमाम है, उसने अनुष्का वैन मैक्स को, जो कि एक 16 साल की जर्मन लड़की थी, उसको प्रेग्नेंट किया और फिर उसके बच्चे को और उसको दोनों को छोड़ के चले गए। प्रूफ है, रिकॉर्ड है, इंशाल्लाह वो मैं साबित करूंगी। तो हम लोग जो है ना वो कोई भी चीज बिना सबूत के बात नहीं करते, हम साबित करेंगे कि हाजिर इमाम जो इस्माइलियों का है वो जना जना करता है, वो जनाकार है, जानी है, शराबी है, कबाबी है, उसने जो है वो कितनी औरतों के साथ उसने जना किया है। तो इसमें कोई भी चीज प्रोपेगेंडा नहीं है, सब कुछ रियल है मेरे भाई।
अच्छा, ये पूरे दुनिया में, पूरा दुनिया में सिर्फ आपको पता है बात, आपको आके बताया नहीं था नहीं किसी ने, किसी न्यूज़ चैनल ने, किसी ने? नहीं उसका मैं बता देती हूँ आपको कि जब आप कोई चीज के लिए जी नॉलेज हासिल करने निकलते हैं तो आपके पास सोर्सेज होते हैं, एक होता है फर्स्ट हैंड सोर्स होता है, एक आपके पास कौन? आर्ट, नहीं, सोर्स कौन? उसने, अनुष्का ने आपको, अनुष्का ने आपको अनुष्का फोन ने किया खुद, था? अनुष्का अनुष्का ने, ने लिसन देखो ये तरीका नहीं होता ना, आप तरीके से बात करोगे तो बात होगी, अगर आप आपका बदतमीजी को तरीका, आपका तरीका हमको पता है। आप उसे अंग्रेजों से छुड़वा छुड़वा के यहाँ हमको बोलते तरीका सिखाते अच्छा हो अजहर तो। भाई इनका नाम क्या था, इन्होंने बताया अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद मूसा है, क्या करेंगे? मोहम्मद मूसा, ठीक है मोहम्मद मूसा साहब, आप अभी इस वक्त ना लाइव स्ट्रीम पे बिल्कुल लाइव जा रहे हैं और जिस तरह आप बात कर रहे हैं इससे जो है वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, आप स्माइलियों की दिफा में आए हो या आप खुद स्माइली हो, इस नहीं, तरह की नहीं, मैं लैंग्वेज जो है स्माइली ना, जानता तक नहीं, मैं तो स्माइली हुई तो नहीं, फिर आप कैसे इतना कहूँ मैं क्यों गुस्सा स्माइली? हो रहे हो, आप इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो अगर मैं आपको आगा खान और अनुष्का के बारे में बता रही हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे मुसलमान बहन भाई जो है ना, वो उनके साथ मुसलमान खड़ा नहीं रहूँ, है किसी को ना शरारत हो किसी के लिए? मूसा भाई, वो मुसलमान नहीं है ना, आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। नहीं नहीं मैंने उनको मुसलमान नहीं बोला, मैं आपको मुसलमान बोल रहा हूँ। अब वो आप मुसलमान मुसलमान, बहन अच्छा भाई आप उसके इस्माइलियों को साथ, मुसलमान नहीं मानते? आप अच्छा ऑडियंस सुन रहे हैं तो कि अगर, यहाँ पे सलफी भाई है मोहम्मद मूसा, वो इस्माइलियों को मुसलमान नहीं मानते। जी मूसा भाई आगे बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि आपको पूछे तो मुसलमान नहीं है, उनको रहने दो, अपने अपने जो भी वो करते क्यों हैं, जो रहने भी दे करते मूसा हैं, उनको रहने भाई, दो आप अपने। मुसल बात सुनो, आप मुसलमान हो ना, आप माशाल्लाह मुसलमान हो, हजरत अली का जो लेबल, लिसन ना लिसन लिसन बात लिसन सुन ना, लो, बात तो सुन लो, मुझे अपने खबर का जवाब देना, आपको कबर में देना, जब अली को अपने उतरोगे ना, खबर का जवाब नहीं देना, जब आप आपको कबर में देना। उतरोगे ना तो आपके सामने जो हेलो, हमारे बुजुर्ग होंगे कयामत तो हम सब उनके पीछे खड़े होंगे, हजरत अली आपका गिरेबान पकड़ के बोलेंगे कि मूसा तुझे पता था एक काफिर एक जानी आदमी मेरा नाम इस्तेमाल करता है, अपने आप को अहले बैत कर कहता है, तूने मेरे लिए क्या किया, तू हुब्बे अली नहीं रखता, तू क्या तू अली से बुगज रखता था, जो असल अली को भूल के तू एक काफिर की दिफा के लिए निकल गया था, तब क्या करोगे मूसा भाई? आपने एक बात बताया मुझे, चलो सही, अच्छी बात है, आप अच्छी अच्छी बात करो, मुझे एक बात बताएंगे आप? बोलिए। आप पहले इस्माइली थे क्या? जी बिल्कुल हम इस्माइली थे। क्या ऐसा क्या आपको मतलब नॉलेज हुई, कहाँ से आपने क्या पढ़ा जो जिसकी वजह से जो ना आप, मेरे को मुझे बता दें, मेरे भी काफी दोस्त हैं इसलिए मैं थोड़ा उनके हक में हूँ, अच्छा आप मुझे बताएंगे ताकि उनको भी मैं थोड़ा समझा सकूँ। ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अजान हो रही, 1 मिनट रुकिएगा। अपने वे में किया, वे से मुराद मतलब चेंज किया, मतलब चेंज किया। देखो मैम, हाँ, जैसे अभी अगर आपने दूसरी दुआ के जो दूसरी पार्ट पढ़ा है ना, तो दुआ कुरान उसका नहीं है, केमिस्ट्री क्या हो, दुआ कुरान नहीं है, तो दुआ जो है इस्माइली दुआ कुरान नहीं है, आप मुझे कुरान का मिसाल दे के दुआ पे क्यों आ गए, कुरान मैं कुरान पे रहो नहीं ना। बोल रहा हूँ, मैं कुरान की आयत बोल रहा हूँ आपको। हाँ अच्छा तो जो दुआ में मैं, अभी आपने कहा कि हम अपनी इस्माइली दुआ को तोड़ के लिख ही नहीं सकते, किसी को हक ही नहीं है, सही बात है? अगर इमाम जमान को हक है ना, बिल्कुल अच्छा इमाम को हक है कि कुरान की आयतों को तोड़ तोड़ दे? ओके, जो अच्छा तो मुझे ये है बताओ कि जब जब कोई नया तरीका आता है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नया तरीका था, नया दीन था, इस्लाम आया, नबी ने वो वही आती थी, फिर कुरान की आयत आती थी, फिर उस हिसाब से वो आपको गाइड करते थे, फिर पहले खुद पढ़ के बताते थे कि जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे पढ़ो, जैसे मैं करता हूँ वैसे करो, पहला हज भी खुद ले जाकर करवाया, ठीक है, रोजे पहले खुद रखे फिर करवाए, फिर रोजे रखवाए, नमाज पढ़ के दिखाई फिर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही तो किया अब अगर आपने। आप कहते हो कि अभी का जो नया तरीका है, मेरे इमाम जमान ने नया तरीका लेके आए नए दुनिया के इससे, तो आपके इमाम ने क्या आपको करके बताया, क्या नहीं करके बताया? देखो क्या नहीं करके बताया, दीदार नहीं करके बताया, कैसे इमाम ने दीदार किया? किस चीज का दीदार का मतलब हज होता है ना। मैम, हजरत अली अलैहिस्सलाम खुद उस खाने काबा में पैदा हुआ है, तो उसको और क्या दीदार करना है? आगा खान खुद खाना काबा में पैदा हुआ था। आप ये क्लियर नहीं हो कि इमाम जमान होता क्या है, अच्छा बात आप सुनो ये मुझे अयूबी भाई, क्लियर। आपने कहा हजरत अली खाना काबा में पैदा हुए, उसे दीदार की जरूरत नहीं है, ठीक है ठीक है, बात तो सुनो, ठीक है, तो हजरत अली ने क्या हज नहीं किया था? हजरत अली ने, खाने काबा में है क्या? अयूबी खाने अयूबी काबा में भाई है क्या?
बात तो सुन लो, आपने कहा हजरत अली, काबा में है क्या मैम? मुझे वो बताओ, खाने काबा में है क्या? खाना काबा सिमत है, डायरेक्शन है, अल्लाह ने उसको रुख करने के लिए हजरत इब्राहिम को हुक्म नहीं, दिया। उसको खुदावन ताला ने हजरत उमर को हिदायत दिया कि भाई ये मस्जिद बनाओ। ऐसे तो हर जगह पे मस्जिद बना हुआ है ना, उसका ये मतलब कि ये खुदा का उसका एक बुनियाद रखा है। इसी खुदा तरह का मस्जिद बुनियाद रखा। हर जगह पे है ना मैम, ऐसा तो नहीं है कि अगर मस्जिद में जाओ नमाज पढ़ोगे तो आपका नमाज कबूल होगा वरना कबूल नहीं है। आपको किसने इतनी कहा, दूर से लोग आपको कहीं भी किसने पढ़ के कहा, नमाज बात तो सुन कबूल लो, नहीं करते। बात सुन लो, बात सुन लो, बोलते बहुत हो। खाना काबा, इसको हम कहते हैं किबला। किबला अलग होता है मस्जिद। किबला उसको नहीं कहते हैं मैम। अच्छा, किबला नहीं कहते, तो अगर वो किबला हुआ खाने काबा किसको बोला गया? किबला जो है वो खाना काबा को कहा जाता है। कुरान नहीं पढ़ा? कुरान ठीक है मैम, आप बोल रहे हो तो बिल्कुल सही बोल रहे में हो है आप। ना, मैं कुरान में है तो ना कि अब अपने चेहरे किबले की तरफ रुख मोड़ लो। किबला बोला अल्लाह ने, उसको काबा नहीं बोला था कुरान की आयत में, उसको किबला बोला। तो किबला कहते हैं डायरेक्शन। अब खाना काबा एक डायरेक्शन है, आप उसको मस्जिद बोल रहे हो, वो मस्जिद नहीं है। मस्जिद मतलब ये कि बाहर खाना काबा के अहाते में जो आप नमाज पढ़ते हो, किबला रुख होके यानी कि खाना काबा की तरफ रुख करके हम सब में एक तरह की इक्वालिटी हो। लेकिन जमात खाने में आप लोग किबला रुख होके भी नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह के इस हुक्म का भी इनकार करते हो, क्योंकि अल्लाह ने जो कहा है कि अपने चेहरे किबले की तरफ कर लो, तो फिर आप तो किबले की तरफ करते भी हो रुख। तो सही बात है, बिल्कुल आप अल्लाह के नाफरमान हुए कि नहीं हुए? हुए। और बोले आप, तो फिर हाजिर इमाम आपको नाफरमान बना रहा है या इस्लाम का पाबंद बना रहा है? मैं नाफरमान हम तब होते हैं जब हम हजरत अली सलाम के नस्ल को फॉलो नहीं करते। हम तो हजरत अली सलाम के नस्ल को फॉलो करते आवाज है, तो हम कैसे नाफरमान अच्छा, हुए? मुझे ये बताइए अयुबी और भाई आपको के किसने आया नबी ने कहाँ किसने कहा मुझे कि अली फरमान की नस्ल को करेगा? फॉलो करो? देखो कुरान हजरत अली ने कहाँ में कहा है कि मेरी नहीं नस्ल आई को फॉलो बात करो? नहीं है, मगर वो खुदावन ताला ने खुद ने बोला है कि ईसा अपने दिन पे, मूसा अपने दिन पे। तो फिर हम कौन होते हैं किसी को बोलने वाला कि भाई आप मूसा, ईसा, नाफरमानों में नबी, सारे कौन नबियों के दीन एक ही है? थे। आपके हाजिर इमाम का दीन क्या है वो बताओगे आप मुझे? उनका भी दिन देखी है भाई इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम को फॉलो करते हैं? क्यों नहीं करते? वो इस्लाम का क्या फॉलो हिंदू करते करते हैं? तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इस्लाम करते, का फिर क्या ऐसे फॉलो थोड़ी करते बोलते हैं? हैं मैं इस्लाम का क्या इस्लाम फॉलो बोलते करते करते हैं? इस्लाम का क्या फॉलो करते ला हैं? इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, इस्लाम का मतलब है ना या कितने कुछ और है? आपका स्माइली कलमा ये है ही नहीं। क्या है मैम, आप तो ऐसे स्माइली होंगे शायद, मेरे से आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है। आपका स्माइली कलमा क्या है वो बता दो, पता चल जाएगा कि आप मुसलमान हो या नहीं। मैम बात सुनिए, हम लोग जब दुआ पढ़ते हो तो हम क्या बोलते हैं? क्या पढ़ते हो? या कुरान इमाम इस्लाम जमा, पढ़ते या हो? अंत कुवती व अंत सनदी व लाई का पहले तिकाली। बिफोर स्टार्ट व्हाट इज रिसाइट, अच्छा हम एक दुआ बात सुनो, पहले पढ़ते एक एक हैंड पंप है, एक हैंड पंप है, उसके नीचे आपने बकेट रखा, बकेट से आपने पानी निकालना शुरू किया हैंड पंप को प्रेस करते करते। स्टार्टिंग में साफ पानी आया और उसके एंड पे जो है वो हैंड पंप में से गटर का पानी निकलना शुरू हो गया, गटर का पानी निकलना शुरू हो गया। अब वो पानी जो है वो मिक्स हो गया, शुरू में पाक पानी था, बाद में गंदा हो गया। पियोगे? जाहिर सी बात है। मेरे पास सुनिए प्लीज, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप जो आप बोल रहे हो कि आप इस्माइली थे और उसके बाद आप कन्वर्ट हुए, वो आपकी मर्जी है। खुदावन ताला ने आपको इजाजत दी है कि आपको अकल दिया है, आपको अशरफ मखलूकात बनाया, आपको जो ठीक लगता है वो आप कर सकते। बोलो आप मुझे ये बताओ कि आप जब पैदा हुए तो इस्माइली थे या मुसलमान थे? ये तो मेरे पास से पूछना चाहिए मैं।